हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो यूट्यूब की चैनल डिलाइट एकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू टेक कॉमन फैक्टर्स। ये हमारा एल्जेब्रा का 8 नंबर का वीडियो है और बेसिक सीरीज का ये 23 नंबर का वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से कॉमन फैक्टर्स को कैसे बाहर करते हैं ताकि हमारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो छोटा हो जाए। मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन करके रखा हुआ है, मैं आपको फिर से उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 4m प्लस 2। तो मैंने यहाँ पे 4m को फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया है, 2 × 2 × m, प्लस की साइन थी तो प्लस की साइन आ गई, और 2 को मैंने 2 × 1 के फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि 1 है वो सारे नंबरों का फैक्टर होता है, 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यहाँ पे प्लस के पहले और प्लस के बाद में 2 है वो सेम दोनों में आ रहा है, इसलिए मैंने नीचे रेड पेन से लाइन किया हुआ है। तो मैंने इस 2 को बाहर निकाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ प्लस के पहले ये 2 तो बाहर चला गया है, इसलिए यहाँ पे 2 और m बच रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2m, और प्लस के बाद में ये 2 तो बाहर निकल चुका है इसलिए क्या बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। इस तरीके से आपका ये 4m प्लस 2 का फैक्टर निकालने के बाद इस तरीके से इसका ये फॉर्म हो जाता है, इस तरीके से इसका आंसर बन जाता है। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करेंगे। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मैं इनको फैक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं, −2 × 2 × m, ये माइनस था, −2 ×, माइनस के पहले −2 आ रहा है और माइनस के बाद में भी ये −2 आ रहा है, इसीलिए मैं इसमें से −2 को बाहर निकाल देता हूं। तो −2 बाहर निकलने के बाद यहां पे 2 × m बच रहा है, और यहां पे ये माइनस तो बाहर निकल चुका है इसलिए यहां पे ये प्लस हो जाएगा, और सिर्फ यहां पे p बच रहा है इसलिए p आ गया। इस तरीके से ये −2 (2m) प्लस p इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, 2x प्लस 4m प्लस 6x2। यहां पे हम सारे नंबर को फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, 2 × x प्लस 2 × 2 × m प्लस 2 × 3 × x × x। यहां पे x की पावर 2 है इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। यहां पे आपको प्लस के पहले और प्लस के बाद में चेक करना है, हर एक के अंदर कोई एक नंबर कॉमन आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखो यहां पे सबके अंदर सब में 2 कॉमन आ रहा है, प्लस के पहले और प्लस के बाद में आपको चेक करना है। फर्स्ट वाले टर्म में x आ रहा है मगर सेकंड वाले टर्म में x नहीं है, और थर्ड में x है तो सेकंड में x नहीं है इसलिए मैं x को कॉमन नहीं ले सकता, सब में से 2 बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे क्या बच रहा है, सिर्फ x बच रहा है, प्लस की साइन थी, यहां पे 2m बच रहा है, 2m प्लस यहाँ पे 3 × 2 बार x बच रहा है, मतलब 3 × x² हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 2m प्लस 4p डिवाइड बाय 2 दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है इसको। पहले मैं इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखूंगा, 2 × 1 × m प्लस 2 × 2 × p डिवाइड बाय 2। प्लस के पहले और प्लस के बाद में चेक करना है, प्लस के पहले और प्लस के बाद में यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, इसलिए ये 2 है वो बाहर आ जाएगा और सिर्फ ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, 2p।
डिवाइड बाय ये 2 था, ये 2 हो गया, 2 2 कट हो जाएगा, इसीलिए आंसर क्या बचेगा, m प्लस 2p नीचे 1, नीचे 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, m प्लस 2p। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन का कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, फैक्टर को कॉमन लेने से फैक्टर रिड्यूस हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, और हमारा जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट होके काफ़ी छोटा हो जाता है, और इसको सिंप्लीफाई करना काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्लास 10th में और क्लास 8th में यूज़ होने वाली स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आने वाले वीडियो के साथ हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको सिखाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून विथ अस, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।